तो आज हम स्टार्ट करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। मेनली हम यहाँ पर बेसल फंक्शंस, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, बेसल फंक्शंस के रिगार्डिंग उनका हम लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नोट टी, दैट इज बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, हमें पता है कि जो बेसल फंक्शन है ऑफ ऑर्डर एन, दैट इज जो जे एन एक्स है, दिस इज नथिंग बट क्या होता है, एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन गामा ऑफ एन प्लस 1 होता है। ठीक है, इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n+2 और प्लस हो जाएगा आपका एक्स की 4, इवन आ जाएगा, मतलब 2 4 और ये 2n+2 फिर देन 2n+4 आ जाता है साथ में। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देखो अल्टरनेट प्लस माइनस है, नेक्स्ट बारी आ जाएगी एक्स की पावर 6 की और ये हो जाएगा 2 4 नेक्स्ट इवन दैट इज 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 2n+2 2n+4 देन नेक्स्ट 2n+ में 6 आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ये जो सीरीज था, सीरीज एक्सपेंशन था, ये किसका था, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन। अगर हम यहाँ एन को 0 रखते हैं तो ये बन जाता है बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0, दैट इज जो जे नोट 0x है। ठीक है, जे नोट एक्स दिस इज इक्वल टू, एन को आप 0 रखोगे तो ये बन जाएगा आपका गामा 1, हमें पता है कि 1 होता है, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। देखो एन जब 0 रखोगे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक है, देन हो जाएगा एक्स की 4 बाय में ये हो जाएगा दिस इज 2 4 और 2 4। ठीक है, 2 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। देन अगला जो नेक्स्ट है वो आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो। ठीक है, हम टी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है तो हम टी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो एक्स के साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है, 1 माइनस में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा टी की 4 बाय में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस में टी की 6 बाय में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो। ठीक है, अब हमें लैपलास निकालना है किसका, जे नोट टी का। ठीक है, तो जे नोट टी की वैल्यू रख दो, जे नोट टी था 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस टी की 4 बाय 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर देन टी की 6 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। ठीक है, तो लैपलास हमें पता है कि अलग अलग हो जाता है, दैट इज लैपलास ऑफ 1 आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर लैपलास ऑफ किसका हो जाएगा, टी स्क्वायर का, देन प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर बाहर और लैपलास किसका आ जाएगा, टी की 4 का माइनस में 1 बाय में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर बाहर। ठीक है, और लैपलास ऑफ टी की पावर 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, लैपलास ऑफ 1 हमें पता है दिस इज नथिंग बट 1 बाय एस होता है माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर लैपलास ऑफ टी स्क्वायर दिस इज नथिंग बट गामा ऑफ 3, गामा ऑफ 3 दिस इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 डिवाइडेड बाय एस क्यूब हो जाएगा प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा गामा ऑफ 5 दैट इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल यानी 24, 24 बाय में एस की 5। तो देखो नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर बाय में, इसको आप चाहो तो 4 फैक्टोरियल ही रख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और देन दिस इज गामा ऑफ 7, गामा ऑफ 7 मतलब 6 फैक्टोरियल बाय में क्या हो जाएगा एस की पावर 7। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो यहां से देखो सबसे पहले आप 1 बाय एस जो है कॉमन ले लो, 1 बाय एस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में एक 2 से 2 कर जाएगा यानी 1 बाय में 2 एस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल दैट इज आपका 1 4 कट जाएगा और 1 4 कटते ही आपका ये 4 फैक्टोरियल है आपका 1 4 कटते ही ये बन जाएगा 1 बाय में 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 और ये हो जाएगा आपका कुछ 4। ठीक है, और माइनस में 6 एक कट जाएगा यानी ये बचेगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को रख ही रहे हैं 5 4 3 2 1। ठीक है, देखेंगे हम कैसे इसका यूज करने वाले हैं। आप चाहो तो एक 4 फैक्टोरियल भी काट सकते हो, सॉरी 4 का स्क्वायर भी काट सकते हो यानी एक 4 भी कट गया। ठीक है, एक 2 भी आप काट सकते हो, ये 2 बचेगा और एक आपका बचेगा 6। ठीक है, एक 6 बचेगा। तो नेक्स्ट हो गया एस की पावर यहाँ हो जाएगी 6 हो जाएगी और यहाँ एस की पावर जो है 4 बच जाएगी। ठीक है, एंड सो तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय एस 1
माइनस वन बाय टू एस स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, टू से टू कट गया यानी वन बाय टू। ठीक है, नीचे देखो आठ है और थ्री बाय टू, ठीक, एक टू बची जाएगा, थ्री बाय टू, और इसको टू इंटू टू लिख सकते हैं, तो एक टू हमने वन बाय टू लिख दिया और एक टू आपका बच गया, उसको हमने टू फैक्टोरियल लिख दिया है, और ये हो जाएगा एस की फोर। अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वन थ्री आ गया, नेक्स्ट हमें चाहिए वन बाय टू, थ्री बाय टू एंड देन फाइव बाय टू। अब देखो आपको सारे कंपनशेट करने हैं, फाइव है, थ्री है, सही है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, टू टू टू, थ्री टाइम्स टू आ चुका है, तो थ्री टाइम्स टू यहां से बाहर निकल चुका है, छह बच गया, और छह जो है दिस इज नथिंग बट थ्री फैक्टोरियल होता है, और ये हो जाएगा एस की सिक्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग बट बाइनोमियल एक्सपेंशन है किसका, वन माइनस वन बाय एस स्क्वायर की पावर वन बाय टू का, वन प्लस वन बाय एस स्क्वायर की पावर माइनस वन बाय टू का, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस है, अगर माइनस लेते बीच में तो सारे के सारे प्लस हो जाते हैं। यानी जो लैपलास ऑफ जे नो टी है, दैट इज बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर जीरो, दिस इज नथिंग बट वन बाय एस, वन प्लस में वन बाय एस स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का वन बाय टू आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो एलसीएम वगैरह लेकर के, इसका आंसर हो जाएगा वन बाय में स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एस स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था लैपलास ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर जीरो। ठीक है, अब आपको लैपलास ऑफ जे नोट एटी निकालना है, यानी स्केल चेंज करना है, या तो हमने स्केल चेंज किया था, तो स्केल चेंज करते ही जो आपका लैपलास था आप लोगों को याद होगा, दिस इज नथिंग बट वन बाय ए हो जाता है, और जहां फंक्शन के अंदर एस था वहां एस बाय ए हो जाएगा, ये हमने चेंज ऑफ स्केल पढ़ा था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लैपलास ऑफ जे नोड ए टी, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट कह रहे कि वन बाय ए, और फंक्शन जो है यानी जो लैपलास है जे नोड का, जहां एस एस बाय ए रख दो, दैट इज वन बाय में स्केयर रूट ऑफ वन प्लस एस स्केयर बाय में ए स्केयर हो जाएगा, तो ए स्केयर एलसीएम आ जाएगा, तो ए से ए कट भी जाएगा, और ये बन जाएगा वन बाय स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस में एस स्केयर। सही है, ये हो जाएगा लैपलास ऑफ जे नोट ए टी। अगर आपको लैपलास ऑफ टी जे नोट ए टी निकालना हो, तो हमें पता है कि अगर टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लैपलास पे फर्क क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा जाता है विद नेगेटिव साइन, और लैपलास किसका हो जाएगा, जे नोट ए टी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, डी बाय डी एस ऑफ वन बाय स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एस स्केयर। आप लोग इसका डेरिवेटिव इजीली सोल्व कर सकते हो, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे पूरा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा एस बाय में ए स्केयर प्लस में एस स्केयर की पावर थ्री बाय टू आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट जे नोट टी डी टी, और ये प्रूव करना है इसका आंसर वन आएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले इससे कंपेयर करना है, इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट e रेस टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो आप देख सकते हो यहाँ s जो है वो जीरो है। ठीक है, s जीरो है, और जो फंक्शन है, फंक्शन जो है दिस इज नथिंग बट आपका क्या है, बेसल फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो हम ये इसको हम जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लैपलास ऑफ जे नो टी लिख सकते हैं व्हेन टी इज सॉरी व्हेन s इज जीरो। ठीक है, इसका आंसर हमें पता है कि वन बाय एस स्क्वायर प्लस में वन होता है उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और एस को जब जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा वन बाय में वन, दैट इज वन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट जे नो टी डी टी दिस कैन बी इजिली सॉल्व बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स आंसर इज वन। ठीक है, अब नेक्स्ट है लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर जीरो तो निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो किसका, एरर फंक्शन का। ठीक है, आपका एरर फंक्शन इन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है, एरर फंक्शन। ठीक है, एरर फंक्शन ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू टू वाई रूट पाई इंटीग्रल जीरो टू टी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, दिस इज द एरर फंक्शन ऑफ टी वेरिएबल, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहां पर ये है एरर फंक्शन ऑफ टी। अब हमें क्या चाहिए, एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी चाहिए। इन्होंने कहा है कि लैपलास निकालना है, लेकिन किसका, एरर फंक्शन ऑफ स्केयर रूट ऑफ टी का। तो सबसे पहले देखो टी की जगह स्केयर रूट ऑफ टी आ जाएगा, यानी बन जाएगा टू बाय रूट पाई और इंटीग्रल जीरो से स्केयर रूट ऑफ टी,
और ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्योंकि यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है, ठीक है, हमें रूट टी का चाहिए तो यहाँ रूट टी ले लिया। अब हम इसका लेप्लास चाहिए, ठीक है, तो यानी लेप्लास 2/√π तो बाहर आ गया, और यानी हमें लेप्लास जो है वो किसका चाहिए, इंटीग्रल 0 से √t √t e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका हमें लेप्लास चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करेगा, अंदर वाले इंटीग्रल को सोल्व करेगा, मतलब पहले इसको सोल्व करेगा, स्क्वायर रूट 0 से t e की माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, e की माइनस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन पता है, दिस इज 1 − x + x² / 2 − x³ / 3 एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा, पहले मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, 1 − x² देन इसका स्क्वायर दैट इज x³ / 2 देन इसका क्यूब दैट इज x³ / 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 से √t और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन देखो करोगे कितना आ जाएगा एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ / 3, देन x³ का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ / 5 × 2 देन x³ / 7 × 3 एंड सो ऑन, और लिमिट जो है वो होगी 0 से √t। तो देखो जैसे ही आप अपर लिमिट रखोगे, ये हो जाएगा √t और ये हो जाएगा √t और ये हो जाएगा t² √t एंड ये हो जाएगा t³ √t, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी, यानी ये बन जाएगा, सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा t³ − t³³/3, ठीक है, यहां से देखो, और ये हो जाएगा 3 प्लस में ये हो जाएगा t³ / 5 × 2, ठीक है। नेक्स्ट हो गया t³ / 7 × 3 एंड सो, ठीक है, ये इसका इंटीग्रल आ चुका है, ये इसका इंटीग्रल आ गया विद इन द लिमिट 0 से √t। अब हम इसका क्या करने, लैपलास निकालना है, तो लैपलास निकालना है, तो ये बन जाएगा लैपलास ऑफ t की 1/2 − 1/3 लैपलास ऑफ t की 3/2 + 1/5 × 2 लैपलास ऑफ t की 5/2 − 1/7 × 3 लैपलास ऑफ t की 7/2 एंड सो, सही है। लैपलास ऑफ t की 1/2 हमें पता है कि गामा ऑफ n प्लस 1 दैट इज गामा ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय s की पावर 3/2 हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट हो जाएगा गामा ऑफ 5/2 और डिवाइडेड बाय s की पावर 5/2 हो जाएगा, देन प्लस 1/5 × 2 गामा ऑफ 7/2 डिवाइडेड बाय s की पावर 7/2, देन −1/7 × 3 गामा ऑफ 9/2 अपोन में कितना हो जाएगा s की पावर 9/2, ठीक है, एंड सो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, रूट देखो गामा ऑफ 3/2 हमने पहले भी बताया था, गामा n दिस इज नथिंग बट n − 1, गामा ऑफ n − 1 हो जाता है, ठीक है, तो n − 1 1/2 आएगा, और गामा ऑफ क्या बन जाएगा 1/2, और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू हमने पहले भी बताई थी, दिस इज नथिंग बट √π/2 थी, ठीक है, √π/2, गामा ऑफ 1/2 दिस इज √π, ठीक है। ये हो गया सेम, गामा ऑफ 5/2 निकालोगे तो n − 1 दैट इज 3/2 और गामा ऑफ n − 1 दैट इज गामा ऑफ 3/2 वो कितना आ जाएगा 1/2 √π, ठीक है। सेम गामा ऑफ 7/2 n − 1 दैट इज 5/2 और गामा ऑफ 5/2 और जो कि आंसर कितना है 3/2 1/2 √π, ठीक है। जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दो तो ये देखो कितना आंसर आ जाएगा, ये देखो गामा ऑफ 3/2 √π/2 − 1/3 और ये हो जाएगा आपका 3/2 √π / s² 5/2, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1/5 × 2 और ये हो जाएगा 5/2 और 3/2 × 1/2 और √π,
ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट सोल्व करोगे ये हो जाएगा 7/2 × 5/2 × 3/2 × 1/2 × में स्केयर रूट ऑफ पाई। तो सब में से देखो स्केयर रूट ऑफ पाई जो है आप कॉमन आ रहे हैं वो आप लोग बाहर निकाल सकते हो, और एस की 3/2 जो है वो भी बाहर आ रहा है वो भी आप कॉमन निकाल सकते हो। तो जैसे ही आप लोग कॉमन निकालोगे देखो क्या बचेगा, ये बचेगा रूट पाई कॉमन आ गया, एस की 3/2 कॉमन आ चुकी है, तो ये बचेगा 1/2 − 1/2 × 3/2 / 3s। ठीक है, अगला बन जाएगा 5/2 × 3/2 / 1/2 और ये हो जाएगा 5 × 2 × s² ठीक है, एंड सो ये बनता जाएगा। तो देखो इसमें से अब आप क्या करोगे, 2 भी आप बाहर निकाल सकते हो, तो 2 बाहर निकाल दोगे तो ये 1 बन जाएगा, सही है। तो ये देखो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं 2 बाहर निकाल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप स्टेप में ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट पाई 2s³/2 ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा 1 ठीक, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 बाहर निकाल लिया तो 3 से 3 कट जाएगा यानी 1/2s बन जाएगा, सही है। 2 बाहर निकाल चुके हैं, 5 से 5 कट जाएगा, देखो 5 से 5 कटेगा, एक तो 1/2 × लिख दो और एक लिख दिया 1/2 और एक लिख दिया 3/2 ठीक है, बाय में ये जो है आपका बन जाएगा कुछ s². सेम आप नेक्स्ट करोगे 1/3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 × 3/2 / 5/2 और ये हो जाएगा कुछ s³ ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन सोल्व कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट बाइनोमियल एक्सपेंशन है किसका, 1 + 1/s² − 1/2 का, और ये हो गया √π/2s³³ का, सही है। अब आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा s² ठीक है, ये s² − 1/2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा s+1 बाय में s² − 1/2, s³³ ये है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s हो जाएगा और इसकी पावर कितनी है माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा रूट पाई और ये हो जाएगा 2s ठीक है, ये हो जाएगा 2 क्योंकि s³² हम यहाँ इंक्लूड कर चुके हैं। तो देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 2/√π से, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/√π से ठीक है, तो √π से √π कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/s × √s+1। सो दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ठीक है, ऑफ वेरिएबल √t आ जाएगा ठीक है, तो ये हमें निकालना था। नेक्स्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इंटीगल ठीक है, यानी नेक्स्ट अब हमें निकालना है लैप्लास निकालना है किसका, इंटीगल 1 से ∞ e^−x/x dx। इसको ये क्या कह रहे हैं लैप्लास, सॉरी दिस इज द एक्सपोनेंशियल इंटीगल फंक्शन, इसको ये डिनोट कर रहे हैं et से, ये दिया हुआ है ठीक है। आपको क्या करना है इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है, सबसे पहले देखो ये दिया हुआ है यहाँ t आएगा, दिस इज t से इंफिनिटी ठीक है, तो ये जो है इसको ये नाम दे रहे हैं, हमें पता है कि आंसर जो है डेफिनेट इंटीगल है तो जो फंक्शन है वो किसका आएगा t का आएगा, सो इसको ये नाम दे रहे हैं ft, दिस इज इक्वल टू इंटीगल t से इनफाइनाइट e^−x/x dx हो गया ठीक है, लिमिट्स इंटरचेंज कर देगा, लिमिट्स इंटरचेंज करने पर ये माइनस का फर्क आ जाएगा यानी ये हो जाएगा e^−x/x और ये हो जाएगा dx। अब आपको क्या करना है इसका लैपलास निकालना है ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा बोथ साइड पहले डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव करेगा तो ये f′t हो जाएगा ठीक है विद रिस्पेक्ट टू t करेगा, तो हमें पता है कि सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेबनिज रूल से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा 0 आ जाएगा, देन अपर लिमिट का डेरिवेटिव t का विद रिस्पेक्ट टू t आंसर कितना आएगा 1 ठीक है, और जो भी फंक्शन है उसके अंदर अपर लिमिट रख दो यानी e^−t बाय में कितना आ जाएगा t हो जाएगा ठीक है, देन लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कितना है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में e^−t बाय में t आ जाएगा ठीक, तो ये आ चुका है हमारे पास। तो देखो ये t को उधर ले जा रहे हैं, दैट इज t × f′t दिस इज इक्वल टू −e^−t ठीक है, बोथ साइड लैपलास ले ली, तो लैपलास ऑफ t f′t दिस इज इक्वल टू लैपलास ऑफ e^−t उसका नेगेटिव ठीक है, तो f′t का लैपलास हमें पता है, f′t का लैपलास होता है s लैपलास ऑफ f ठीक है, माइनस में फंक्शन की वैल्यू एट
जीरो, और अगर हम टी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता है कि -1 डी बाय डीएस हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस लैपलास ऑफ ई की माइनस टी का आंसर होता है 1 बाय में एस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगी, कैंसल आउट, यानी इसका जो डेरिवेटिव है इसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी बाय डीएस, ठीक है, ये हो जाएगा एस लैपलास ऑफ, ये हो जाएगा एफ टी माइनस में एफ जीरो। सबसे पहले आपको एफ जीरो निकालना है, एफ जीरो के लिए हम टी को क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो एफ जीरो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाय में एक्स डीएक्स आएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। तो देखो एफ जीरो जो है दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसका आंसर ना तो एक्स में आएगा, मतलब आंसर जो है कॉन्स्टेंट नंबर आएगा, ठीक है, तो जैसे ही आप उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा, जीरो, तो यानी जस्ट डेरिवेटिव जो है इसका बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाय में एस प्लस 1 हो गया, ठीक है। मान लो जो लेप्लास ऑफ एफ टी है इसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ एस से, तो ये बन जाएगा डी बाय डी एस ऑफ एस एफ एस दिस इज इक्वल टू 1 बाय में एस प्लस 1, बोथ साइड आप इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये बन जाएगा एस एफ एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एस प्लस 1, और प्लस आ जाएगा सम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट मान लो क्या है, सी, ठीक है। हमने मान लो सपोज एस को जो है जीरो की तरफ टेंड करवा लिया, तो जैसे ही आप एस को जीरो की तरफ टेंड करवाओगे ये हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस एफ एस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लॉग 1, लॉग 1 होगा आपका जीरो, ये आ जाएगा सी, यानी यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हमारा ये सोल्व हो जाए लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस एफ एस, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसके लिए क्या करेगा, तो देखो अब सी की वैल्यू निकालने के लिए इसको सोल्व करेगा, और इसको सोल्व करने के लिए एक थ्योरम की हेल्प लेगा, जिस थ्योरम को नाम दिया गया है फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो थ्योरम देखो क्या कह रही है, कहते कि जो लैपलास है एफ डैश टी का, सबसे पहले हमें ये पता है कि जो लैपलास होता है एक फंक्शन के डेरिवेटिव का, दिस इज नथिंग बट एस टाइम ऑफ लैपलास ऑफ एफ होता है, दैट इज एफ एस माइनस में फंक्शन की वैल्यू एट जीरो होती है, ये हमें पता है, ठीक है। और लैपलास का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन खोल दो, इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एफ टी एस टी एफ डैश टी, और ये हो जाएगा डी टी, दिस इज इक्वल टू एस टाइम ऑफ एफ एस माइनस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। और हमें क्या करना है, एस को धीरे धीरे जीरो की तरफ अप्रोच करवाना है, तो एस जैसे ही धीरे सॉरी एस जो जैसे ही धीरे धीरे जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये बन जाएगा आपका 1, यानी ये जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा एफ डैश टी, और एफ डैश टी का इंटीग्रल हमें पता है कि क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा, और जो लिमिट्स है वो आ जाएगी जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है, और ये हो जाएगा लिमिट एस जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं एस एफ एस माइनस में ये हो जाएगा एफ जीरो, ठीक है। देखो हम इसको जीरो क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हो सकता है कि ये एस और बाय में आपका कुछ इस तरीके से टर्म आ जाए, एस आ जाए, ताकि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाए, इसी वजह से फिलहाल अभी हम इसको जीरो नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर कोई गारंटी नहीं है कि जीरो आ जाए, ठीक है। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, और ये हो जाएगा एफ टी माइनस में क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू एट जीरो, ठीक है, और ये हम एज इट इज लिख रहे हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस एफ एस माइनस में क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू एट जीरो, ये कट गया। तो यानी जो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो है एस एफ एस दिस इज इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ टी आ चुका है, और ये इस थ्योरम को क्या नाम दे रहा है, फाइनल वैल्यू थ्योरम, और ये हमारा क्या था सी, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ टी और लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहां पर ये सी की वैल्यू आ चुकी है, दिस इज इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ टी, सही है, ये आ चुका है। अब देखो एफ टी जो ये है, एफ टी में जैसे ही टी ई की सॉरी जो जैसे ही टी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये इंटीग्रल इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा, तो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होने का मतलब अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो सी हो जाएगा जीरो, तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जीरो हो गया, यानी एस एफ एस दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एस प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो यानी एफ एस की वैल्यू हो चुकी है दिस इज इक्वल टू 1 बाय एस लॉग ऑफ एस प्लस 1, और इसी को हमने क्या नाम दिया था, लैपलास ऑफ एफ टी, ठीक है, ये हो गया आपका लैपलास ऑफ एफ टी, या फिर हमने
एरर फंक्शन जो भी हमने लिया है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी, 1/s log of s प्लस 1, तो इसका आंसर आ गया। जैसे कि सिमिलर वे में आपको क्या करना है, कोसाइन इंटीगल दैट इज इंटीगल टी से इनफाइनाइट कोस एक्स बाय में एक्स डीएक्स, इसका आपको क्या करना है, लैपलास निकालना है। अगेन हमें पता है कि डेफिनेट है, टी का फंक्शन आएगा, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टी, मान लो एफ टी है, ठीक है। अगेन बोथ साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जैसे ही सबसे पहले तो आप इसकी लिमिट चेंज करो, जैसे ही लिमिट चेंज करोगे ये हो जाएगा इनफाइनाइट से टी हो जाएगा, और दिस इज कोस एक्स बाय में एक्स डीएक्स, ठीक है। लेबनीज रूल से आप डेरिवेटिव करोगे तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा जो कि जीरो हो चुका है, देन अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव हो गया वन, और फंक्शन के अंदर आपको क्या रखनी है, अपर लिमिट दैट इज माइनस कोस टी बाय में टी हो गया, ठीक है। लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो चुका है, जीरो, तो ये एफ डैश टी आ गया है, दिस इज माइनस में कोस टी बाय में टी आ गया। तो देखो क्या करना है, आपको टी को इधर लेके आना है, तो टी एफ डैश टी दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का कोस ऑफ टी हो जाएगा, बोथ साइड लैपलास ले लो, यानी लैपलास ऑफ टी एफ डैश टी दिस इज इक्वल टू माइनस का लैपलास ऑफ कोस टी हो जाएगा, और कोस टी का लैपलास हमें पता है दिस इज इक्वल टू माइनस एस बाय में कितना हो जाएगा, स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, और ये हमें पता है कि माइनस में वन, और ये हो जाएगा डी बाय टी एस ऑफ लैपलास ऑफ एफ डैश टी, और एफ डैश टी का लैपलास होता है एस टाइम ऑफ लैपलास ऑफ एफ माइनस में फंक्शन की वैल्यू एट जीरो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस एस बाय में एस स्क्वायर प्लस वन, अगेन फंक्शन की वैल्यू जीरो, दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज नॉट ए वेरिएबल, ये एस से जो है इंडिपेंडेंट होगा, सो एस के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी डेरिवेटिव ऑफ एस एफ एस दिस इज इक्वल टू एस बाय में एस स्क्वायर प्लस में वन, अगेन आप बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे एस एफ एस दिस इज इक्वल टू एस बाय में एस स्क्वायर प्लस में वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। और टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा वन बाय टू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस में वन हो जाएगा, और प्लस सम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट मान लो सपोज सी है, ठीक है, और ये हो जाएगा एस एफ एस। अगेन आप क्या करो, एस जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच करवा दो, तो जैसे ही हम एस जीरो की तरफ अप्रोच करवाएंगे तो फाइनल वैल्यू थ्योरम से इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट, और ये हो जाएगा आपका टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एफ टी, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और दिस इज इक्वल टू एस जैसे ही एस जैसे ही जीरो की तरफ अप्रोच करेगा ये लॉग वन बन जाएगा, यानी जीरो, यानी सी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगेन जैसे ही टी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो सी का जो आंसर है यानी वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एफ टी में टी जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये इंटीगल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, यानी सी जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगा, यानी जो एस एफ एस है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वन बाय टू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ एस की वैल्यू चाहिए, तो एफ एस दिस इज इक्वल टू वन बाय टू एस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस में वन आ चुका है, ठीक है। यही हमें इसका इंटीगल लैपलास निकालना था। नेक्स्ट है साइन इंटीगल का आपको लैपलास निकालना है। साइन इंटीगल इन्होंने डिफाइन किया हुआ है इंटीगल जीरो से इनफाइनाइट साइन यू बाय में यू डी यू, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट साइन टी बाय में टी, और ये हो जाएगा आपका डी टी, और इंटीगल जो है जीरो से टी, ठीक, इसका अब आपको क्या करना है, लैपलास निकालना है, लैपलास, ठीक है। अब हमें पता है कि दिस इज नथिंग बट वन बाय एस टाइम ऑफ लैपलास ऑफ किसका हो जाएगा, साइन टी बाय में टी का हो जाएगा लैपलास, ठीक है, और ये हो जाएगा वन बाय एस और साइन टी का लैपलास, वन बाय टी का मतलब होता है इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट, और लैपलास इसका हो जाएगा साइन टी का, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस आ जाएगा वन बाय एस इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट, साइन टी का लैपलास होता है वन बाय एस स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा डीएस। जस्ट अब आपको इसको सोल्व करना है, यानी ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एस और इंटीग्रल फ्रॉम एस टू इनफाइनाइट, अगेन टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस में क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एस, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा वन बाय एस और ये हो जाएगा कोट इनवर्स और एस, ठीक है। अब हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स वन बाय एक्स दिस इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स होता है, तो आप इसको खोल सकते हो, ये हो जाएगा वन बाय एस टेंजेंट इनवर्स वन बाय एस, तो ये लैपलास हो गया है किसका, साइन इंटीग्रल फॉर्मूला, साइन इंटीग्रल का।